चुनौती देगा। आकार देखा है अपना, कहां मैं और कहां तुम। लगता है तुम्हारी मृत्यु असमय आने का कारण ढूंढ रही है। समय आ गया है। है? तुम्हारा नाम अरुंधति है। एक ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए तुमने आश्रम में सर्प छोड़ दिए थे और इससे क्रोधित होकर ऋषि ने तुम्हें विषकन्या बन जाने का श्राप दिया था और तुम्हारा उद्धार मेरे ही हाथों होना था। असंभव है ये, असंभव। ये मेरे पराजय की परिकाष्ठा है। कब होगा मेरे काल का अंत, कब आएगी मुझे रात्रि में निद्रा। कोई ना कोई कहीं ना कहीं होगा जो मेरे काल का अंत कर पाएगा। अरे नटखट रुक। बहुत हो गया तेरा नटखटपन का ना। देख तू, तेरी मैया को सब कुछ बता के आती हूँ आज। विशाखा, चुगली करना बुरी बात है। अच्छा तो तू अब हमारा नाम लेकर हमें पुकारेगा। चल तू घर। तुम लोग मेरे किसी उपयोग के नहीं रहे। किसी उपयोग के मेरे उद्यान को क्या हो गया? ध्वस्त हो गया।
कहीं वो बालक यहाँ तो नहीं आ गया, वो कुटिल बालक। कौन है वो? अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ बोलूं। शीघ्र बोलो, समय बहुत कम है मेरे पास। महाराज, ये मेरा मित्र है लतासुर। मुझे तुम्हारी मित्रता का गुणगान नहीं सुनना है, ये बताओ कि तुम्हारा ये मित्र मेरे किस उपयोग का है? जी महाराज, तनिक मेरे साथ इधर तो आइए। महाराज, ये कोई साधारण वट वृक्ष नहीं है, ये लतासुर है। लतासुर का प्रणाम स्वीकार हो। यदि आपकी आज्ञा हो तो अभी इसी क्षण इस रिक्त स्थान पर आपके लिए वाटिका का निर्माण कर दूं। देखो जादूगर, तुम्हारा जो मित्र है ना, बिल्कुल तुम्हारे जैसा नहीं है। ये बहुत उपयोगी है, मेरे बहुत काम आएगा। चलो शीघ्र आती शीघ्र मुझे तुम्हारी माया दिखाओ। मत करो, कहाँ हो तुम? तुमने अपनी माया से मुझे प्रसन्न कर दिया, अत्यंत प्रसन्न। दाऊ, गोपियों ने मैया से चुगली कर दी होगी ना? गोपियों की छोड़ो काना, मुझे तो तुम ये बताओ, उस विशंभरा को तुमने किस प्रकार दंडित किया? जब तुम उसे मुक्त करने जा रहे थे तब तुम्हें मुझे साथ लेकर चलना चाहिए था। तो इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है दाऊ? मामा श्री मुझसे कितना प्रेम करते हैं जानते हो ना दाऊ? वो समय समय पर ऐसे दूत आगे भी भेजते रहेंगे, किंतु घर पे किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं तो सब व्यर्थ में चिंतित हो जाएंगे। चलो घर चलते हैं। यशोदा, तुमने वो कन्या को कहीं देखा क्या? जी जी, वो बच्ची अपने पालने में ही होगी। नहीं यशोदा, मैंने उसे पूरे घर भर में ढूंढ लिया है किंतु वो कहीं नहीं मिली। भ्राता श्री से उसकी देखरेख का उत्तरदायित्व मैंने लिया था, किंतु अब मैं भ्राता श्री को क्या उत्तर दूंगी? जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि कान्हा और बलराम उसे अपने साथ कहीं लेकर गए हों। हाँ, ये हो सकता है, ईश्वर करे ऐसा ही हो। बलराम, क्या तुम और कान्हा उस नन्ही कन्या को घर से बाहर निकल गए थे? मैया, वो मैं बताता हूँ। मैया, बड़ी मैया, हमें उस नन्ही कन्या के माता पिता मिल गए थे। वो उस कन्या के वियोग में बहुत दुखी थे, उनकी ये दशा हमसे ना देखी गई,
इसलिए हमने उस कन्या को पुनः उसके माता पिता को दे दिया। चलो ये तो अच्छा हुआ कि कन्या अपने माता पिता के साथ है, वो उनके साथ सुरक्षित है। किंतु कान्हा तो उसके माता पिता को यहाँ क्यों नहीं लेकर आया? उनके साथ हमारी भी भेंट हो जाती। हाँ मैंने कहा था मैया, किंतु उस कन्या के माता पिता को अपने गांव जाना था, किंतु मैंने एक बात उन्हें कह दी थी मैया कि तुम जगत की सबसे अच्छी मैया हो, तुम मेरा बहुत ध्यान रखती हो, कितना स्नेह करती हो ना मुझसे। मैया मैंने कहा कि मेरी मैया के हाथों में जादू है, उनके जैसा भोजन कोई नहीं बना सकता। वाह वाह, क्या बात है, हैं? पहले ही अपने खेत गिरवी रख कर तुम ऋण के रूप में मुझसे कितना धन ले चुके हो जानते हो, हैं? अब उसका सूद चुकाने के स्थान पर तुम्हें और ऋण चाहिए, हैं? परंतु आपका ऋण चुकाने के लिए खेती करनी होगी, लाभ कमाना होगा, और इसके लिए मुझे अतिरिक्त धन की आवश्यकता है। अरे हटाओ, सब चौंचले जानता हूँ मैं तुम्हारे, पहले मुझे मेरा पुराना ऋण चाहिए, उसके पश्चात नए ऋण की बात करना। अब जाओ यहाँ से, हटो जाओ। अरे जाओ, हो गया नमस्कार, जाओ। और ऋण चाहिए? इन्हें देख के लगता है ये कोई किसान है, किंतु ये यहाँ रो क्यों रहे? चलो मित्रों चलकर उनसे बात करते हैं। क्या बात है काका, आप रो क्यों रहे हैं? बेटा मैं एक किसान हूँ, वर्षा आने में अब कुछ ही दिन शेष है, लेकिन धन के अभाव में मैं श्रमिकों द्वारा अपना खेत न जुतवा सका, और वृद्ध होने के कारण खुद भी नहीं जोत सकता। लगता है इस बरसात तक मेरे खेत ऐसे ही रह जाएंगे, और वो धानु सेठ, मैं उसका ऋण कैसे अदा कर पाऊंगा? धनपति सेठ यहाँ मेरा खेत भी गिरवी रखा है, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, इतना धन कहाँ से आएगा? मित्रों धानु सेठ के ऋण के जाल में मेरा परिवार फंस चुका है। मैं जानता हूँ कितने निर्ममता से वो निर्धनों का शोषण करता है, मन कर रहा है किसी प्रकार में इन काका की सहायता कर सकूं। किंतु हम क्या कर सकते हैं सुदामा, हमारे पास तो इतना धन भी तो नहीं है। धन नहीं है तो क्या हुआ, हम इन काका के खेत में श्रम दान तो कर सकते हैं ना। यदि हम सब मिलकर इनकी सहायता खेत जोतने में करें तो इनकी दुविधा का समाधान इन्हें मिल सकता है। किंतु हम रात दिन भी एक कर दे तो भी वर्षा आने से पहले इनका खेत नहीं जोत पाएंगे। कृष्णा तुम कुछ करो ना, हम सब इनकी सहायता करना चाहते हैं। बारिश नहीं हुई तो इसमें मेरा क्या दोष है, मुझे मेरा धन समय पर वापस चाहिए। जाओ। अरे महाजन जी आइए आइए आइए, स्वागत है आपका, स्वागत है। बताइए कैसे आना हुआ? धानु सेठ आपसे एक अति गुप्त बात करनी थी। हाँ हाँ कहिए कहिए, मैं किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकता हूँ? आप मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। मुझे मेरे खास सूत्रों से पता चला है कि गोकुल की धरती में बहुत सारा धन, हीरे मोती और स्वर्ण मुद्राएं दबे हुए हैं। ये तो बड़ी अच्छी सूचना है मित्र, किंतु ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो, इसमें तुम्हारा क्या लाभ? हाँ मैं तुम्हें कुछ नहीं बताता और कभी नहीं बताता। यदि वो धन उस भूमि में ना गड़ा होता
जो तुम्हारे पास गिरवी पड़ी हुई है। बड़ा खेत है, मैं अकेला एक रात्रि में भूमि खोदने में असमर्थ हूं, इसलिए तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मैं जानता हूं तुम इस गांव की शक्तिशाली व्यक्ति हो, तुम्हारे लिए कुछ ऐसे श्रमिक जुटाना कठिन कार्य नहीं है, जो भूमि खोदने का कार्य भी कर दे और अपना मुंह हमेशा के लिए बंद रखे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये बात किसी को भी ज्ञात हो। उस नंद को तो बिल्कुल भी नहीं। बड़े उचित स्थान पर आए हो मित्र, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, किंतु एक शर्त है। उस भूमि से जो भी धन की प्राप्ति होगी उसमें से आधा धन तुम्हारा, आधा हमारा, स्वीकार है? हाँ मित्र, आधा धन तुम्हारा, आधा धन हमारा। तो निश्चिंत हो जाइए, ये कार्य हम अतिशीघ्र करेंगे। इतना सारा माखन भूमि पर किसने फैलाया? लगता है यहाँ अवश्य कोई बिल्ली आई है। कान्हा, ये क्या किया तूने? सारा माखन गिरा दिया। आज तो तुझे मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया, अब तेरा कोई एक बहाना नहीं चलेगा। नहीं मैया, मैंने माखन नहीं खाया, माखन तो बिल्ली ने खाया है। ना ना कान्हा, हमारे घर में बिल्ली की क्या आवश्यकता है? तू जो है इस घर में, बिल्ली के सारे काम तो तू ही कर देता। माखन खाया तो खाया, इतना गिरा भी दिया तूने। हट। ले, अब मैंने ये मटकी इतना ऊपर रख दिया कि तू चाह कर भी उस तक नहीं पहुंच पाएगा, और आज के बाद ना काना तुझे माखन मिलेगा ही नहीं। अच्छा मैया, आपका लल्ला माखन नहीं खाएगा तो गोकुल में कोई भी माखन नहीं खाएगा। कृष्णा का समाप्त तो होना बहुत अति आवश्यक है, और यदि कृष्णा के साथ साथ संपूर्ण गोकुल कांत हो जाए ना तो भी मुझे चिंता नहीं। असुर को बुलाओ। जो आज्ञा महाराज। कंस, सौभाग्य है ये मेरा कि आपने मुझे अपनी सेवा के योग्य समझा। मैं गोकुल को समूल नष्ट कर दूंगा। सर्वप्रथम मुझे बताओ कि तुम गोकुल में प्रवेश कैसे करोगे? मेरी देह का एक पत्ता तोड़कर आप गोकुल के पास कहीं भी भूमि में उगा दीजिए, उसके बाद आप निश्चिंत हो जाइए। कृष्णा कृष्णा।
गोकुल पहुंच चुका हूं कृष्णा। ये क्या हो रहा है? अब तुम मुझसे नहीं बच सकते।